हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल जी। दोस्तों, मैं दीपक रोहिला आपका स्वागत करता हूं मनी मंत्रा के एक और यूट्यूब वीडियो में, जहां हम फिर से बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की, कुछ ऐसे चार्ट पैटर्न्स की जो हमें शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टू मिड टर्म में पैसा बना के दे सकते हैं। हमको क्या करना है, देखो, सबसे अच्छी कोशिश क्या सकती है कि राइट टाइम पर एंट्री हमको मिल सके और टाइम पे हम एग्जिट करें। टाइम पे एग्जिट मतलब अपने ग्रीड पे कंट्रोल करके, कि रीजनेबल, कि मेरे को आप जैसे आपके टारगेट होंगे कि महीने में मेरे को 5% पैसा बनाना है तो 5% प्रॉफिट मिले तो बुक कीजिए और रोटेशन करते रहिए मनी का। आपके कुछ स्टॉक देखो, दो आई नो कि आप लोग, हो सकता है कि आप कुछ लोग मुझसे भी ज़्यादा नॉलेजेबल हो, एक्सपीरियंस हो मार्केट का। तो दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, उसमें भी आपके पास मैक्सिमम 12 टू 15 स्टॉक्स होने चाहिए डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में, और कुछ पैसा होना चाहिए जो आपका स्विंग ट्रेडिंग में रहे। जो स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो रहा है उसको आप लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स को बाय करते रहिए, मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जहाँ पे भी उनमें करेक्शन सा दिखे वहीं पे कुछ कुछ क्वांटिटी ऐड करते रहिए। तो मैं इसी चीज़ को प्रैक्टिस कर रहा हूँ दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ऐसा कर रहे होंगे, या इससे कुछ अच्छी स्ट्रेटजी है तो वो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। और अभी आगे बढ़ते हैं, थैंक यू बोलना चाहेंगे जो 17,000 अपने सब्सक्राइबर हैं, उनका दिल से धन्यवाद दोस्तों, और आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। हम पूरी कोशिश करेंगे अच्छे स्टॉक्स एज यूजुअल डिस्कस करने की। आगे बढ़ते हैं, और कल हमने जहाँ पे वीडियो को छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, इंडो ओमान लिमिटेड। जिन दोस्तों ने कमेंट किया ना, उन्होंने ज़बरदस्त स्टडी की है, और उनके कमेंट, जो भी दोस्त आप लोग देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जाइए, उनके कमेंट्स को पढ़िए। उन्होंने डिक्टो जो चीज़ होनी चाहिए वहाँ पे आंसर किया है, तो आई एम थैंकफुल कि मैं ऐसे लोगों के साथ अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ जो नॉलेजेबल हैं, और उनकी नॉलेज आप देखो, आप कमेंट करेंगे तो श्योरली आप भी अपने एनालिसिस करेंगे, चार्ट को देखेंगे, डेली करेंगे, वीकली करेंगे, मंथली करेंगे, कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट नज़र आएगा, कहीं ना कहीं आपको रेजिस्टेंस नज़र आएगा। दोनों चीज़ों को पता होना चाहिए ना, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, यस और नो, और कहाँ पे राइट एंट्री है। तो हमने कल इंडोमाइन की बात की थी। हम देखो, इंडोमाइन में वीकली कैंडल ये है, डेली कैंडल भी चेक कर सकते हैं। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 162 के पास, ओके जी। तो जिन दोस्तों ने ये वाला कमेंट किया 162 वाला, तो दे आर बैंग ऑन टारगेट एंड दे गाइज आर डूइंग सुपर वर्क, ओके फ्रेंड्स। और इसको हम कब तक रख सकते हैं, ये भी आप लोगों का कमेंट ज़बरदस्त था, कब तक रख सकते हैं हम इसको। हम इसको 290 रुपीज़ तक रख सकते हैं दोस्तों, स्टॉप लॉस 162, 200, 220, 240, 260, 280, 290, इन टारगेट के लिए आप इंडोमाइंस में इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट कर लिया है तो वेरी गुड है, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते रहें। स्टॉप लॉस, स्टॉक ऊपर जाए तो स्टॉप लॉस को भी रिलेटिवली रेशियो के अंदर अकॉर्डिंगली आप अपने स्टॉप लॉस को ऊपर लेके जाएं। स्टॉप लॉस को ऊपर लेके जाएंगे, ट्रेलिंग करते रहेंगे तो आपका प्रॉफिट बड़ा हो सकता है। ये एक प्रोसेस है, हम सबको प्रोसेस और रूल फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हम एक दिन अच्छा पैसा बना सकते हैं, वेल्थ बना सकते हैं अपने लिए, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो यही हम सबका एम है और गोल है, मिशन है, लेट्स ग्रो टुगेदर। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों एंटरटेनमेंट की फील्ड से है, समारो एंटरटेनमेंट। आप जो लोग टीवी देखना पसंद करते हैं तो समारो एंटरटेनमेंट के चैनल पे, जैसे आजकल महाभारत भी आती है, श्री कृष्णा भी आता है, तो लोग देखते होंगे डेफिनेटली। तो आज के दिन में भी एक अच्छा इसमें ब्रेकआउट था, देखो स्टॉक ने ब्रेकआउट यहाँ पे दिया था बट रीटेस्ट करने गया 20 EMA को, 161 का लेवल स्टॉप लॉस था, ये 155 का, तो 155 का स्टॉप लॉस इंटैक्ट है। अब क्या करना है, अब स्टॉप लॉस को यहाँ पे लेके जा रहे हैं 160 पे, और स्टॉक ने देखो यहाँ पे भी ब्रेकआउट दे दिया है। अब नेक्स्ट लाइन है इंपॉर्टेंट, वो है 183 की, जो होपफुली नेक्स्ट एक दिन में या दो दिन में आ सकती है, आपको क्या लगता है। और जैसे ये इस लेवल को क्रॉस करेगा, 183, 184 के लेवल को क्रॉस करेगा, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे, देखो ये जो गैप है ना, ये गैप देख रहे हो 188 के ऊपर, इसको भी यहाँ लगाते हैं 188 के ऊपर, 188 के ऊपर ना गैप है ये, तो ये डेफिनेटली इस गैप को फिल करने जाएगा स्टॉक। 207 तक के हमारे शॉर्ट टू मिड टर्म के टारगेट रह सकते हैं, उसके बाद 220 और 235 के लिए आप लोग जा सकते हैं एज पर योर पेशेंस
जैसे आपको अलाउ करे, पेशेंस अलाउ करता है, या आपकी ग्रीड आपको बोलती है कि रुको अभी 1 रुपया और बढ़ेगा स्टॉक उसमें में, तो दिस इज़ फॉर यू। आप अपने एनालिसिस भी कीजिए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको कैसा लगा, क्या आप इन्वेस्टेड हैं, क्या आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। बड़ा क्वेश्चन मेरी तरफ से यही है कि क्या आप ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट होगा दोस्तों डे टाइम में फ्री ग्रुप में टेलीग्राम का जो अपना फ्री चैनल है वहाँ पर शेयर किया था एस बी आई कार्ड यहाँ पर 52-53 के अराउंड शेयर किया था, और उसके बाद ये हाई बनाया इसने 775 का, तो 20 रुपीज़ के अराउंड लोगों को यहाँ पे भी मिला था डे टाइम के अंदर भी। और ये एक इंपॉर्टेंट रेंज है, ये वाला टारगेट ये वाली लाइन के ऊपर हुआ तो क्लोज इसके ऊपर ही है, आप देखेंगे ना इसको जूम करके तो इसके हाई से ऊपर ही क्लोज हुआ है, तो ये एक छोटी सी जीत है और इस जीत का साथ दे रहा है ये वॉल्यूम कैंडल। गुड, अच्छा वॉल्यूम है, मैसिव वॉल्यूम बोल सकते हैं, पिछले कुछ दिनों में ऐसा ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम नहीं था, तो ये एक विन विन सिचुएशन है एस बी आई कार्ड्स के लिए। नाम इसका यहाँ पे हम वाटरमार्क लगा देते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए। 760 पे ट्रेड कर रहा है, अभी स्टॉप लॉस के लेवल को चेंज करने का टाइम आ गया। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस था ना जो हमारा, अब स्टॉप लॉस को हम इस कैंडल का लो ना, ये रेड कैंडल आपको दिख रहा है 728 हो गया है, ये रेड कैंडल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रेड कैंडल का लो हम स्टॉप लॉस रख रहे हैं अभी, जस्ट 200 रख सकते हैं, 200 EMA के लेवल को भी, 236 के लेवल को भी रख सकते हैं, हम थोड़ा सा और सेफ रख रहे हैं 6 रुपये नीचे, और इस स्टॉप लॉस के साथ SBI कार्ड में निवेश कर सकते हैं। डेली से वीकली पे जाते हैं एक बार, तो यहाँ से एक लेवल ये भी निकल के आता है, ये 200 EMA की लाइन है वीकली की, 814 का लेवल, तो ये नेक्स्ट टारगेट रहेगा दोस्तों 840, 880 और 930। तो इन टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म मिड टर्म में SBI कार्ड में निवेश कर सकते हैं, और उसके बाद भी अगर आपके पास समय है, पेशेंस है, तो कुछ क्वान्टिटी कुछ स्टॉक्स को आप होल्ड कर सकते हैं 4,100 आल्सो। तो ये तो हमारा व्यू था, लेट्स सी कि आप लोगों का क्या व्यू है, कमेंट करके प्लीज़ इसमें ज़रूर बताएं दोस्तों। नेक्स्ट लास्ट होगा दोस्तों मेड प्लस हेल्थ सर्विसेज लिमिटेड। अब यहाँ पे हम केवल इस पोर्शन को देखना चाहते हैं, यहाँ तक के पोर्शन को एट प्रेजेंट ना 840-849 इस लेवल को देखना चाह रहे हैं अभी फिलहाल। क्या आपको ये डेली और वीकली के अंदर यहाँ पे कोई आपको एक डब्लू बनता हुआ नज़र आ रहा है? इसको अगर ऐसे लाइन कैंडल में देखेंगे तो हमको यहाँ पे क्लियर कट क्लियरली एक डब्लू नज़र आएगा दोस्तों। इस डब्लू ने वीकली के अंदर 920 EMA को क्रॉस कर लिया है, अच्छे वॉल्यूम के साथ किया है, और नेक्स्ट टारगेट दिख रहा है अपने को 50 EMA जो 711 पे है। अब इसको वापस कैंडल में जाते हैं तो 711 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, और यहाँ देखो 711 के ऊपर जाएगा ना तो 715 का वो लेवल है जहाँ पे बहुत सारी कैंडल्स ने रिवर्सल लिया है। यहाँ देख सकते हो ना इतनी सारी कैंडल्स ने वीकली में इस लेवल से रिवर्स हो रही है, तो ये एक हडल का लेवल है, ये क्रॉस होता है तो हम श्योरली 750 के लिए जा सकते हैं, 800 के लिए जा सकते हैं, 850 के लिए जा सकते हैं। 850 के बाद हमको क्या करना है, हमको इस लेवल की वेट करनी है, ये है अनोदर रेजिस्टेंस लेवल, ये भी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस किया ना हमने, ये रेजिस्टेंस लेवल था, उसके बाद ये भी रेजिस्टेंस लेवल है, ये भी रेजिस्टेंस लेवल है, ये भी रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तो सपोर्ट बनता जाएगा, अरे अग्री। और बोलते ना एक छोटे छोटे गोल अचीव करते जाएंगे तो वन डे वी कैन अचीव इम्पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल टारगेट इसका 1300 है। हमको केवल 1-2% अपने पोर्टफोलियो का स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। ये ग्रीन कैंडल आपको वीकली की दिख रही है ना, ऐसी कैंडल जब से स्टॉक लिस्ट हुआ तब से नहीं है, यहाँ पे किसी बड़े इंस्टीट्यूट ने या किसी बड़े इन्वेस्टर ने ज़रूर पैसा डाला है, वरना इतना बड़ा वॉल्यूम कैंडल आम रिटेलर्स के बस की बात नहीं है दोस्तों। तो हम इसको फॉलो करते हैं ना वॉल्यूम को, वॉल्यूम 9 और 20 EMA के ऊपर लेके गया है, होपफुली 50 EMA के ऊपर भी जाएगा, अगर 50 EMA के ऊपर जाता है तो और क्वांटिटी ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं 50 EMA के ऊपर। टिल देन आप ज़रूर इसके बारे में पढ़ें, अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट करके बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, उम्मीद करता हूँ जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं वो आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, तो कमेंट करते रहिए, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो शेयर करने में प्लीज़ कंजूसी ना करें।
थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए वंडरफुल टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे कुछ अच्छे आइडियाज़ के साथ, स्टॉक्स के साथ। टिल देन टेक केयर, सी यू सून।